चलिए थोड़ा फूल दीजिए भाभी को और भाभी प्रपोज करिए थोड़ा ना। ये इसका एक आदत है, खुद घुटना पे आ जाएगी लेकिन हमको नहीं आने देगा। तो आप भी जरा आ जाइए। नहीं नहीं ठीक है ठीक है, उतना सही है। कुछ करना चाहिए? ऐसे हम लोग सोशल मीडिया पे कभी नहीं कहते, मतलब ये सब प्यार वाला इजहार हम लोग नहीं करते। ऐसे जो भी है फीलिंग में हम लोग बोल देते हैं कि अभी तक जितना साथ दिया ना उतना ही दीजिएगा, और जैसे सपोर्ट करते हैं समझते हैं हमको उतना समझिए। कुछ कहिएगा क्या? सर हम कुछ कर पाए नहीं कर पाए, बस ये जो करती है वो करते रहे, हम उतना कर लेंगे जितना हमको करना है। मतलब कि लाइफ में इनसे शादी होने के बाद में कोई आया क्या विदाउट, मतलब कि इनसे शादी होने से पहले भी कोई था क्या? वो तो मैडम बताएगी कि इनको कभी ऐसा कुछ महसूस हुआ। ये तो आप ना बताइएगा। मेरे सारा प्रपोज इधर से ही हुआ था कि इस एनिवर्सरी पे अब हम दोबारा शादी करते हैं। हमारा यही था कि कर लीजिएगा, लोग मान जाएगा कि कर लीजिएगा। कुछ प्रपोज करेंगे क्या मैडम? जी बिल्कुल करेंगे। अगर ये कैसे प्रपोज करें? स्क्रीन पे जो फौजी साहब जो दिख रहे हैं काफी कम उम्र है, उतना अच्छा स्माइल भी है और उनकी पत्नी भी उतना ही उस लेवल की है। लेकिन बात करेंगे कि आपका जॉब कब लगा, किस डिपार्टमेंट में है, कितना स्ट्रगल करना पड़ा इस जॉब को लेने में। आपका सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जॉब कब लगा? तो हमारा 2019 में लगा था सर। लेकिन किस डिपार्टमेंट में है वो अपने आप में, अगर आप इंडियन हो तो आपको पता है कि ये सब चीज़ें हमें। ठीक है, आपका उम्र कितना हुआ? उम्र 25 के आसपास। 25 के आसपास। फौजी साहब का उम्र 25 साल है, लेकिन 25 साल में इन्होंने 4 साल पहले ही जॉब कर लिए, और जॉब करने के बाद में एक नहीं दो शादी भी कर लिए, लेकिन दो शादी दो पत्नी से नहीं एक ही पत्नी से, ये भी हम लोग क्लियर करते चले। आपका क्वालिफिकेशन क्या है मैडम? हम 12 तक पढ़े हुए हैं। अभी पढ़ा लिखाई शादी के बाद हम कंटिन्यू ही नहीं किए, क्योंकि पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं मेरा। 12th कब पास की? 12th 20 में। 2020 उसके बाद भी इन्होंने पढ़ाई से इस्तीफा दे दिया मैडम, उसके बाद मैडम का शादी हो जाता है। तीन लोगों का प्यार कैसे, मतलब कितना गहरा हो गया कि एक शादी से तीनों का काम नहीं चला, दो बार इन्होंने शादी कर लिया। कुछ प्रपोज करेंगे क्या मैडम? जी बिल्कुल करेंगे। अगर ये नहीं कैसे प्रपोज करेंगे? प्रपोज क्या चीज का कीजिएगा? प्रपोज देखिए, जैसे ये बहुत कुछ करते हैं मेरे लिए या कर सकते हैं, तो ये उस हिसाब से प्रपोज किए, तुम हमसे शादी करोगी। अब हम तो इतना कुछ अरेंज नहीं कर सकते ना, सब किसी से हम बात करके कन्विंस भी नहीं कर सकते, तो उतना बड़ा चीज़ के लिए हम प्रपोज इनको नहीं कर सकते, बट जिस चीज़ के लिए कर सकते हैं उस चीज़ के लिए जरूर करेंगे। आप कैसे प्रपोज कीजिए? हमारा स्टार्टिंग से ही रहा सर कि जो हमारा स्टाइल रहा है हम उस स्टाइल में करते हैं, बट वो अगला आदमी को पसंद आता है नहीं आता है या लगता है कि जो ऑन कैमरा एक बार प्रपोज हो जाए कुछ अलग अंदाज में। हमारे यूट्यूब पे भी जाओगे तो आपको सबसे ज्यादा फोटो इसी चीज में दिखाई देगा, वो ये हमारा फेवरेट पोज हो गया है। क्योंकि अगर हमको कुछ भी बात करना होता है ना तो हम कोशिश करते हैं कि अगर ऐसे ऐसी रहेगी तो आप कुछ ऐसा बात बोलोगे जो इनको खराब लग जाएगा, ये कुछ ऐसा बात बोलोगे जो हमको खराब लग जाएगा। फिर कपल में सबसे ज्यादा होता है कि फिर आप वो उधर चल जाएगी आप इधर चल जाओगे तो खराब वहीं पर सब कुछ हो जाएगा। तो हमारा स्टार्टिंग में रहा है कि हम हैंड होल्ड कर देते हैं, ऐसे हैंड होल्ड कर दिए, अब जो बात है अब इसके बाद होगा। क्योंकि हमको तो पता है कि हमको इतना पावर है कि हम इसको हाथ खींचने नहीं देंगे और हमको अपने आप पे भी इतना भरोसा है कि अगर हमको कुछ बात बुरा लगेगा तो हम अंदर रखेंगे लेकिन हम यहाँ से दूर नहीं जाएंगे। तो दोनों चीज़ हो जाता है कि अब हम यहीं पर रहेंगे, जो बात होगा हमारा यहीं से होगा। यानी कि आप प्रपोज इसी तरीके से करते हैं? हाँ, तो हमारा प्रपोज इधर से ही हुआ था कि इस एनिवर्सरी पर अब हम दोबारा शादी करते हैं। हमारा यही था कि कर लीजिएगा, लोग मान जाएगा कि कर लीजिएगा, लेकिन इनका था तुम हाँ तो करो उसके बाद हम सबको मना लेंगे। फिर हम बोले चलिए ठीक है देखते हैं मनाइए किस किस को मनाते हैं। फिर उससे पहले इनका जवाब था कि पहले हाथ छोड़िए मेरा, पहले हाथ छोड़िए। हम बोले हुआ क्या? वो बोले कि पिछले 2 साल में कितना बार बर्थडे आया, कितना बार एनिवर्सरी आया, कितना बार क्या क्या हुआ। आप हर बार बोलते हैं कि हम हैं, पता चलता है 2 दिन 10 दिन 5 दिन पहले आप निकल जाते हैं, आप शादी का पूरा तो ये ताल ठोक दीजिएगा घर पे कि हाँ शादी होगा सब कुछ हो जाएगा, 2 दिन पहले आप चले जाएगा कि फिर शादी के समय ही नहीं है। हमारा ये चीज़ हमेशा रहता है, आप बोल तो देते हैं लेकिन उस समय तो आपका ड्यूटी पड़ जाता है, पहले ही बहुत कुछ खो चुके हैं लोग, तो इस वजह से निकल जाता है हमारे मुँह से कि आप बोल तो दीजिएगा मना भी लीजिएगा लेकिन उस समय में रहिएगा नहीं तो क्या करेंगे हम। तो बोले कि तुम हाँ बोलो फिर हम करेंगे सब कुछ करेंगे। कर और ये मेरा भी नहीं है सर, ये हम जितने भी लोग ड्यूटी करते हैं ना साथ में सभी की वाइफ का यही शिकायत रहता है कि आप बोल तो देते हैं लेकिन करते कहाँ है। ये मेरा नहीं है सर, ये जितने भी हम लोग साथ में ड्यूटी करते हैं ना सबका यही होता है, हम सब रोते रोते ड्यूटी करते हैं करवा चौथ भी नहीं मिल पाते। करवा चौथ के दिन हमको याद है, इस बार का करवा चौथ के दिन इतना रोआ था ना हमारा ड्यूटी का लोग, लेकिन हम लोग अपनी वाइफ के सामने नहीं रो सकते हैं ना क्योंकि फिर इनको ज्यादा वो हो जाएगा। तो हम लोग करवा चौथ के दिन जितने भी बिहारी थे, खास करके बिहार में ज्यादा होता है, तो बिहार के लोग जो जितने थे, एक तो मेरा दोस्त है मैं उसके लिए क्या ही बोलूं, वो अपनी वाइफ का ब्लाउज सिलने के लिए दे के गया था और उसके घर पे कोई है। अच्छा आपने क्यों हुआ था? और इसने बात सही है, ये बात हमको भी याद आया, उस समय हम भी ये चीज जान रहे। और क्या है ना कि उनके बच्चे भी हैं और उनकी वाइफ, हम भी नहीं जाते इनके बिना कहीं के लिए जा नहीं सकते। चलिए थोड़ा फूल दीजिए भाभी को और भाभी प्रपोज करिए थोड़ा। हेलो गुरु जी, पासिंग से करने का प्रयास कीजिएगा ठीक है ना। चलिए प्रपोज करने से पहले आप इनको क्या बोलिएगा?
इनको यही कहेंगे कि जैसे हमारे जिंदगी में अभी तक सपोर्ट किया, अभी तक बिना कुछ कहे समझते हैं, जितना मेरे को समझते हैं हमको नहीं लगता उतना कोई समझता होगा। क्योंकि अगर कुछ चीज़ सबको खराब भी लगता है ना, तो वो चीज़ इनको पता होता है कि नहीं वो खराब नहीं सोच रही है, उसका सोचना क्या है आप लोग समझ क्या रहे हैं इनको पता होता है। तो ये मेरे तरफ से सबको समझा देते हैं कि नहीं उसका ये मतलब नहीं था, ये मतलब था, तो वो चीज़ इनका बहुत अच्छा है ना। तो यही कहेंगे कि वैसे अभी तक किसी के चक्कर में ये पड़े नहीं है, लेकिन कभी किसी तीसरे की वजह से हमसे मतलब चक्कर में पड़े नहीं है क्या लगता है फौजी भैया? और मुझे ऐसा लगता है कि इनको कभी भी इस चीज के लिए दिक्कत नहीं है कि किसी आप दूसरी लड़की के चक्कर में, ये हर समय ये बोलती है कि तीसरा कोई भी हो, लड़की तो दूर की बात है, लड़का के भी चक्कर में नहीं पड़ना है। इनका डेट मान लेते हैं कुछ टाइम के लिए, मान लीजिए अगर लड़की का ही बात करती है भाभी, तो फिर इसके बारे में क्या कहना चाहिए भाभी? शायद आपके मतलब की लाइफ में इनसे शादी होने के बाद में कोई आया क्या, विदाउट मतलब की इनसे शादी होने से पहले भी कोई था क्या? वो तो मैडम बताएगी कि इनको कभी ऐसा कुछ महसूस हुआ, ये तो आप ना बताइएगा। मेरे साइड से तो सर हर समय क्लियर है, शादी के बाद नो मतलब नो। मुझे ऐसा स्टार्टिंग में एक बार रह जाने के बाद ना, पहला दिन ही रह जाने के बाद लगा था ना कि हमको दूसरा चीज नहीं जाना, जो है ना इसी को बेस्ट बनाना। ऐसा कुछ नहीं था, शादी के पहले सब चीज किसी के साथ में होता है, लेकिन गर्लफ्रेंड जैसा रिलेशन किसी के साथ में होता है भाभी, मतलब समझ लीजिए। नहीं, सब किसी के साथ होने इनके कहने का मतलब है कि देखने में तो सारे सेलिब्रिटी भी अच्छे लगते हैं, तो हमें अभी भी लग रहा है देख के अच्छा लगना वो अपने मन पे काबू किसी का नहीं। अभी बोला है ना कि शादी से पहले तो होता है, बोले तो इनका ये मतलब है कि कोई देख के अच्छा किसी को भी लग जाता है, लेकिन किसी के साथ ऐसा बॉन्ड या रिलेशन नहीं रहा, बस देखा तो अच्छा लगा यार ये के साथ में पड़ती है तो ये तो गर्लफ्रेंड होनी चाहिए हमारी, लेकिन हो थोड़ी ना जाती है। मतलब आ गया बात, नहीं होनी चाहिए और है, दोनों बात में फर्क है। यानी कि भाभी के मतलब बातों से आप लोग शायद समझ सकते हैं, अब हम तो बोलेंगे नहीं, लेकिन फौजी भाई जो है मतलब की दिल के लग रहा है फ्रेश है, जो था वो बोल दिए, शायद ऐसा हुआ नहीं था। तो चले चाहेंगे थोड़ा परफ्यूज करके दिखा दीजिए ऑन कैमरा जी, जैसे अभी तक सपोर्ट किए ऐसे ही करिएगा, जितना प्यार अभी तक किए उतना ही हमेशा करिएगा, चाहे जबरदस्ती करें हाँ जितना करते हैं उतना ही करिएगा, इससे ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं। थोड़ा परपज कर दीजिए, चलिए ये इसका एक आदत है, खुद घुटना पे आ जाएगी लेकिन हमको नहीं आने देगा। तो आप भी जरा आ जाइए। नहीं नहीं ठीक है ठीक है, उतना सही है। कुछ करना चाहिए ऐसे हम लोग सोशल मीडिया पे कभी नहीं कहते, मतलब ये सब प्यार वाला इजहार हम लोग नहीं करते, ऐसे जो भी है फीलिंग में हम लोग बोल देते हैं कि अभी तक जितना साथ दिया ना उतना ही दीजिएगा, और जैसे सपोर्ट करते हैं समझते हैं हमको उतना समझिए। कुछ कहिएगा क्या सर? हम कुछ कर पाए नहीं कर पाए, बस ये जो करती है वो करते रहे, हम उतना कर लेंगे जितना हमको करना है। हेलो दोस्तों।